देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बाप को वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने एक राजस्थानी लड़की की ख्वाहिश को कैसे पूरा किया और साथ ही एक राजनेता को कैसे जनता से जुड़ना है, उनकी ख्वाहिशें कैसे पूरी करनी है, ये आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। आप इन दो तस्वीरों को देख लीजिए जिसमें एक तस्वीर में आप देखेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और दूसरी तस्वीर एक राजस्थानी लड़की की है। दोनों तस्वीरों को देखने के बाद एक बात तो आम लगती है कि दोनों के सर पर हिमाचली टोपी है। दरअसल राजनाथ सिंह के साथ जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, इस लड़की का नाम अंशु है और ये राजस्थान की रहने वाली है और एक एनजीओ में काम करती है। दरअसल दोनों तस्वीरों में दिखाई जा रही हिमाचल की शान, इस टोपी के पीछे एक छोटी सी कहानी छिपी हुई है। दरअसल 27 दिसंबर को हिमाचल सरकार यानी कि जयराम ठाकुर के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे और इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हिमाचली टोपी को पहना हुआ था। उनकी टोपी लगाई इस तस्वीर को त्रिपुरा के सीएम के ओएसडी संजय मिश्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। तो उनकी इस तस्वीर पर जयपुर की रहने वाली अंशु नाम की लड़की ने ट्वीट किया और टोपी लेने की इच्छा को जाहिर किया। इसके बाद सीएम के ओएसडी संजय मिश्रा ने ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंचाई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मंत्रालय से, अपने ऑफिस से लड़की का पता निकालने का निर्देश दिया। इसके बाद उनके दफ्तर से लड़की के घर का पता किया गया और वो टोपी उनके घर तक पहुंचाई गई। इसके बाद जब टोपी लड़की को मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने खुद इस टोपी को पहना और अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद अंशु ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पापा के जाने के बाद पहली बार उनको लगा है कि उन्होंने जो इच्छा जाहिर की थी वो एकदम से ऐसे पूरी हुई हो जैसे उनके पापा ने ही उनको ये टोपी गिफ्ट की हो। क्या ट्वीट किया है अंशु ने, आप भी देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए News Times 24 के साथ।